हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा। प्रतिभा के चैनल मन भावन रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू कद्दू की मज़ेदार भुजिया सब्जी। इस तरीके से मैं हमेशा घर में बनाती हूँ और सभी को बहुत पसंद आता है, तो सोची कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू कद्दू की भुजिया सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1/2 kg कद्दू लिया है। इसे हम काट लेंगे। तो पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं जिसे काटना आसान हो जाए। आलू कद्दू की भुजिया सब्जी के लिए जब भी कद्दू लें तो आप हरा वाला कद्दू लें, पका कद्दू ना लें। अब कद्दू के नीचे जो बीज सफ़ेद वाला भाग होता है उसे निकाल देंगे। कद्दू को ना बहुत बड़े टुकड़ों में काटना है ना बहुत छोटे टुकड़ों में काटना है, इसे मीडियम साइज में हम कट करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सारे कद्दू को हम काट लेते हैं। सारे कद्दू को हमने काट लिया। अब उसमें हम 3 आलू डालेंगे। तो आलू को पहले छील लेते हैं और आलू को भी काट लेते हैं। तो यहाँ पे आलू को हमने काट के तैयार कर लिया। अब इसे धुल लेंगे अच्छे से पानी से। तो यहाँ पे कद्दू आलू को हमने धुल लिया है। अब यहाँ पे हम कढ़ाही लेंगे। तो यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ाई लिया है। इस भुजिया को बनाने के लिए आप मोटे तले के बर्तन का यूज करें। उसमें 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में ये भुजिया सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म होने पे 1/2 चम्मच हम पंचफोरन डालेंगे और 2 हरी कटी हुई मिर्च डालेंगे। जितना तीखा खाते हो उसी हिसाब से मिर्च डालें आप। थोड़ी देर भून लेते हैं इसे। अब जो कद्दू और आलू को हम काट के रखे थे उसे डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है और इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ता है। कवर कर देते हैं इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। कद्दू और आलू ने बहुत सारा पानी छोड़ा है। अब इसी के साथ स्वादानुसार हम नमक डाल लेंगे और 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, क्योंकि इस सब्जी में हल्दी की ज़रूरत नहीं होती है। मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे फिर कवर करेंगे, फिर चेक कर लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है आलू कद्दू। अब इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि भुजिया सब्जी में सब्जी को मसलना क्यों, लेकिन इस तरीके से करने से ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मैं हमेशा बनाती हूँ, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस सब्जी को, ये आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे हम मसल लिए अच्छी तरह से। अब इसे कुछ देर के लिए फिर कवर करेंगे जिससे अच्छे से हमारी कद्दू और आलू सॉफ्ट हो जाए। तो कद्दू और आलू बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम इसका खास सामान डालेंगे, मिर्चे का अचार। 2 लाल मिर्चे का अचार लेंगे और उसे मसल के डाल देंगे। अगर मिर्चे का अचार ना हो तो आप यहाँ पे अमचूर का यूज करें। इससे ये सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, क्योंकि इसमें हम कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं, तो इसे डालना ज़रूरी है। और हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसे हम भून लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया तरीके से भून चुकी है। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारी आलू कद्दू की मज़ेदार भुजिया सब्जी बनके तैयार है। आप इसे चपाती, पराठा, पूड़ी, चावल, दाल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ट्राई करने पे अगर ये आलू कद्दू की भुजिया सब्जी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।